जैसे अभी आपने बहुत सारी समस्याओं की बात की, ब्रेन ड्रेन, और जैसे युवा मूव कर जाते हैं बड़े शहरों की तरफ बिहार को छोड़ के, तो इसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ डिस्कस करते आए कि ये समस्याएं हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको दूर कैसे करेंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो हम नॉर्थ की बात करें, ईस्ट की बात करें, बिहार की बात करें, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं आती। जो भी इंडस्ट्रीज आती है, वो कंपनीज आती है, वो सारी साउथ की तरफ अट्रैक्ट होती है। बिहार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। अगर हम एक मधेपुरा प्रोजेक्ट छोड़ दें तो फिर दूसरा कुछ नहीं है हमारे पास काउंट करने के लिए। तो कैसे आप रोजगार दे पाएंगे उन यूथ को जो अभी एजुकेट हो रहे या ग्रेजुएट होने वाले या जो बैठे हुए? अगर एम्प्लॉयमेंट में हम देखें तो बैंक की वैकेंसीज जैसे आती है या फिर SSC वगैरह की वैकेंसीज आती है, तो उसमें सीट्स बहुत कम होते हैं और जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो लाखों में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या अभी स्थिति है। तो इसको, इससे आप कैसे निपटेंगे अगर आप अगले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में पार्टी जीतती है, अच्छे बहुमत से सत्ता में आती है, तो आपका क्या प्लान है? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के नौजवानों की तरफ से पूछने का काम किया, इसलिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। पहली बात, इंडस्ट्री जो है आए, ये सब लोगों का प्रयास है। और इंडस्ट्री लाने में देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जो भी पहले भी पास्ट में रही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रयास ना किया हो। बिहार जो है लैंडलॉक स्टेट है, उसकी अपनी एक समस्या है। बिहार जो है एक तरफ बाढ़ से डूबा रहता है, एक तरफ जो है सुखाड़ से डूबा रहता है। और जो यहाँ जो ज़मीन है, मान लीजिए ज़मीन अक्वायर करना है, तो यहाँ जो ओनरशिप है जिन लोगों के पास, वो काफ़ी छोटे छोटे आप कह सकते हैं संख्या में है। लेकिन इंडस्ट्री लाने के लिए आपको लोग कहा करते हैं कि भाई इतना क्राइम है यहाँ पर कि इंडस्ट्री नहीं आ पाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस या गवर्नमेंट जो है, आपने हमने इसका पहले भी जवाब दिया कि इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर जो लगाने की जो बात थी, तो हम लोगों ने एक पॉलिसी लगाने का काम किया था, सिंगल विंडो, जहाँ की जो अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग जगह से लोगों को परेशानी होती थी परमिशन लेने में, उसमें काफ़ी टाइम लगता था। कुछ ऐसे पॉलिसीज जो बने हुए थे जो कि उस वजह से भी काफ़ी दिक्कत हुआ करता था, तो उस पर वर्कआउट किया गया है। ख़ास तौर पे आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप मजबूती के साथ जो है उसको सुधारने का काम कीजिए। और आपको कहीं ना कहीं से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपके लिए हम लोग जो है पूरा मदद करने का काम करेंगे, और आप जो है बिहार में यहाँ ला करके लगाने का काम कीजिए, ताकि हम सब जो हैं यहाँ आप लोगों का एक माहौल बनाए ताकि इंडस्ट्री आए। इंडस्ट्री आती है, कारखाने खोले गए हैं, जैसे आपने माधेपुरा की बात करने का काम किया, आपने छपड़ा में भी देखेगा व्हील फैक्ट्री है, वो रेलवे का, वो लालू जी ने देने का काम किया। लेकिन बिहार में इतना टैलेंट है, बिहार के लोग दूसरे जगहों पर रहते हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, तो एक इसका हब बनाया जाए ताकि यहाँ लोग आए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया फूड प्रोसेसिंग का, बिहार में आप हाजीपुर चले जाइए तो कितना केले का है, वहाँ चिप्स केले से जो है, बनाना से चिप्स के भी चीज़ें हो सकती हैं, बनाना शेक भी बनाया जा सकता है। आप चले जाइए मखाना, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर वहाँ, अगर इस तरह की चीज़ें अगर खुलने शुरू हो गए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी जो है बिहार में इस तरह का चीज़ जो है देखने को मिलेगा। और बाकी सारे काम जो उससे रिलेटेड हैं, सिक्योरिटी से, पॉलिसी से, इस पे हम लोग काफ़ी जो है हद तक सूटेबल पॉलिसी जो है, और भी स्टेट्स जैसे बड़े स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उनकी क्या पॉलिसी रही है, इस पे भी हम लोग जो है स्टडी करने का काम करेंगे। और जो बिहार को लैंडलॉक स्टेट को देखते हुए जो सूटेबल हो सकता है, जो प्रयास हो सकता है, वो हम लोग करने का काम करेंगे। बिहार में कई आप देखिएगा कि एजुकेशन को भी लेकर के कोई ऐसा यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं है, एजुकेशन का पैसा इतना बिहार में जाता है, आखिर यहाँ क्यों नहीं बनाया जाए? तो जो प्रॉपर जो काम करने का जो तरीका होना चाहिए, जो विल पावर होना चाहिए, कहीं ना कहीं से उसमें कमी है, उसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे।